मैम मेरा नहीं है मैम ये तुम्हारा ही है ये तुम्हारे घर के यहाँ कहाँ से आया मैम मेरा नहीं है बिल्कुल ये मैम तुम जैसे आईपीएस की हमारी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है मैम मेरी मैं तुम्हारा पेपर कैंसिल कर रही हूँ सॉरी मैम मैं तुमको अलाउ नहीं करूंगी यहाँ पे मैम मेरा नहीं है मैम मैम सॉरी मैम दो मेरा कैरियर बेकार हो जाएगा मैम सॉरी मैम गेट आउट फ्रॉम हियर और इंचार्ज से जाके मिलो बात करो इंचार्ज के पास जाके ऑफिस में जाओ गेट आउट मैं कम मैम यस प्लीज कम इन मैम क्या हुआ मैम मेरा एग्जाम कैंसिल कर दिया क्या मेरा एग्जाम कैंसिल कर दिया क्यों मैम मेरे पास किसी ने ये चीटिंग फेंक दी और पता नहीं कहाँ से आ गई ये बेटा तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चों को हमने देखा है आप लोग यही कहते हैं कि दूसरों ने चीटिंग की है पर चीटिंग आप ही ने की होती है विदाउट एविडेंस तो टीचर ने भेजा नहीं है सो आई कैन डू एनीथिंग यू आर डिसमिस्ड मैम योर पेपर इज कैंसल्ड यू कैन गो नाउ मैम मेरी बात तो यू कैन गो नाउ करण मायूस होके वहाँ से लौट जाता है और अपने साथ हुए इस अन्याय को कोर्ट के सामने रखता है जज साहिबा पधार रही है जज साहिबा मेरे क्लाइंट करण भाटिया को आईपीएस 2015 की परीक्षा के दौरान एक गलत फहमी का शिकार होना पड़ा जिसके कारण उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया मिलोर्ड मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरे से विशाल भाई हैं इनको ये नहीं पता है कि जो ऐसे गलत फहमी बता रहे हैं वो एक सोची समझी साजिश थी दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत इन दोनों को नॉन गिल्टी साबित करती है द कोर्ट इज अर्जेंट इस प्रकार कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और तारीख पे तारीख पड़ती गई जज साहब मैं पहले भी कह चुका हूँ मैं पहली तीसरी तारीख में यही बोला था कि मैं मिस्टर करण भाटिया जी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ इजाजत है मिस्टर करण जी आप ये बताइए मुझे जो चीट आपके पास मिली थी वो आपकी थी या नहीं जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो चीट मेरे पास मिली बट मुझे नहीं पता कि वो मेरे पास कहां से आई तो आपका कहना है कि हम ये मान लें कि वो चीट किसी और की थी तो आपने इसे सिर्फ एक चिट को देखकर आपने इन पर इल्जाम लगा दिया कि आपने चीटिंग कर रहे होंगे हाँ क्योंकि मेरे को उसके पैर के वहां से वो चिट मिली थी और मुझे लगा वो ही चीटिंग कर रहा है ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर चीज जो इंसान के पास हो और वो उसकी ना भी हो गलती से आ जाए तो वो दोषी होगा पर वो मुझे नहीं पता क्यों उसके वहां कैसे आई वो क्यों इतना भावुक था अपने एग्जाम करने में कि उसे नहीं पता वो चिट कहां से आई देखा जज साहब इन्हें ये भी नहीं पता था कि वो चिट उसकी है या नहीं वो बस उसके पास पड़ी थी जिसके कारण इन्होंने उस पर इल्जाम लगा दिया मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि यह जो चिट थी यह उनकी बिल्कुल नहीं थी और मेरे जो क्लाइंट है वो बिल्कुल निर्दोष है सारी बातें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे तक पहुंचती है कि फिंगरप्रिंट की जांच की जाए जज साहिबा यह है फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट जिससे साफ पता चलेगा कि सच क्या है सारी बातों पर गौर करने के बाद करण बेकसूर साबित होता है और उस पर लगे सारे बैन कैंसिल किए जाते हैं कोर्ट इज अर्जेंट तो देखा आपने एक गलत फहमी का शिकार हुए करण को कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी परंतु हमारे कोर्ट ने उसे सही न्याय दिया हालांकि इसमें समय जरूर लगा परंतु उन्हें न्याय मिला इसी प्रकार जस्टिस हमारे देश में मिलता देरी से है पर मिलता जरूर है इसके बहुत से उदाहरण हैं और देखा भी गया है दैट्स ऑल सावधान जज साहब आ रहे हैं जज आ रहे हैं भाई तू ही बोल ले एक काम कर चलिए सब बैठ जाइए और कोर्ट की कार्रवाई आगे शुरू की जाए जी हुजूर मैं हूँ टोना और ये है मेरा क्लाइंट रामू जिसकी जमीन उस ढोंगी चुंडी वाले बाबा ने हड़प ली है अब आप ही इन्हें न्याय दिला सकते हैं अरे मिस टोना रुक तो जाइए आपके विक्टिम को तो आने दीजिए अरे
गुड मॉर्निंग जज साहब. काहे का मॉर्निंग, आफ्टरनून बोलिए आप तो. गुड आफ्टरनून जज साहब. गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून. तो मैं ये कह रही थी, जो मेरे काबिल वकील कह रहे हैं उनका इनके पास क्या सबूत है? वो बात में पूछना पहले, वो बात में पूछना पहले ये बताइए कि भाई आप कहाँ थे और आपके विक्टिम नहीं है? हाँ हाँ बाबा जी, रास्ते में है, मैं तो आ गई, वो भी आ ही रहे होंगे. बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो. जीते रहो जज बच्चा, जीते रहो. थैंक्स बाबा. क्या अब कोर्ट के आगे कार्रवाई शुरू की जाए? हाँ जरूर करो. चलो भाई. तो जज साहब, यही है वो आदमी जो लोगों के माल को अपना समझकर गुड़प कर जाता है. गुड़प? इसी ने मेरे क्लाइंट रामू को अपनी बाबागिरी में फंसाया और उनकी जमीन धोखे से हड़प ली. अरे ऐसे कैसे हड़प ली? मेरे पास वो कागजात है जिसमें अंगूठे के निशान है रामू के. वो कागजात बताते हैं कि वो निशान रामू के अंगूठे के हैं. कहाँ है वो कागजात, दिखाइए जरा. अरे वो कागजात तो दो जरा गलूटे. अजी मैडम जी, कहाँ है, मिल ना रहे हैं कागज, रुक जाओ अभी ढूंढता हूँ. हाँ जी हाँ मिल गए. हाँ जी हाँ अभी ढूंढ रहा हूँ. लो जी लो मिल गए कागज. और एक रिपोर्ट भी दिखाई ले जरा. हाँ जी मैडम अभी दिखाता हूँ. लो जी लो. देखिए देखिए जज साहब, इसकी एक एक लाइन ये कह रही है कि रामू के ही कागजात है, प्रॉपर्टी के कागजात, और इस पे रामू के ही अंगूठे के निशान है. और इस अंगूठे की एक एक लकीर ये भी कह रही है कि इन्हें यहाँ जबरदस्ती चिपकाया गया है. ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर. अंगूठे का बोलो जरा धीरे बोले, जो भी बोलना है. अच्छा जज साहब, इसके लिए मैं खुद रामू को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ. इजाजत है जी हुजूर जी. जी राम राम हुजूर. राम 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 राम. हाँ ओली तेरी राम राम. हाँ जी रामू, तो ये बताइए कि क्या आप इस इंसान को जानते हैं? जी मैं तो इसे बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ. यही तो इंसान है, मैं इसे भूल कैसे सकता, इसने तो मेरे सर से मेरी छत छीन ली, मेरे बच्चों के मुंह से निवाले छीन लिया. मैं कहीं का नहीं हूँ, मैं तो कुछ समझ नहीं आता. मेरे खून पसीने की कमाई छीन ली मुझसे, मैं तो कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूँगा. बाबा जी ये तो ना बताया था आपने. मैंने कुछ नहीं किया, झूठ बोल रहा है ये. अरे मर जानिया की झूठ बोलता पे है. मैं गीठा पे हाथ रख के कसम उठाता हूँ, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा. अब ये कार्रवाई. रुकिए 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 जज साहब. रामू जी ये बताइए, क्या बाबा जी ने जबरदस्ती अंगूठे के निशान आपसे लिए थे? ना जी ना, मुझे कुछ नहीं पता. मैंने तो प्रसाद खाया, उसके बाद मेरे साथ क्या किया गया, कब हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है. हाँ हाँ यूं का याद रहेगा तुझे, बाकी सब तुझे याद है, है? दरखास्त की जाती है 3 महीने बाद अगली सुनवाई होगी. 3 महीने बाद. अब आता है 3 महीने बाद का दृश्य. मुजरिम हाजिर हो, मुजरिम हाजिर हो. हाँ रे भाई भेजो हमारे मुजरिम को. ऊप्स सॉरी, हमारे बाबा जी को. तकालत शुरू की जाए. वकालत नहीं था, वकालत. हाँ वही वकालत शुरू की जाए. अच्छा रामू, तो ये बताइए कि जिस समय आप घर पे थे, आपको तो प्रसाद घर पर दिया गया था, उस समय आप प्रॉपर्टी के कागजात के साथ क्या कर रहे थे? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड. गणाई बोल रहा है ये वकील. अरे भाई रामू की प्रॉपर्टी, रामू के कागजात, वो कुछ भी करे कहीं नहीं तो नहीं ऐसे कैसे करे. पाउडर 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 नहीं जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर. हाँ वही ऑर्डर ऑर्डर. जज साहब अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ. हाँ बोलिए. जज साहब सारे सबूत झूठे हैं
और ये बाबा के खरीदे हुए हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि रामू ने गलती की है, लेकिन रामू बिल्कुल बेकसूर है और बाबा ने इनके साथ अन्याय किया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। और इसी तरह साल बीतते गए, तारीखें मिलती गई और अब अगला दृश्य नए जज की नियुक्ति के साथ 10 साल बाद। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि रामू। रुकिए जज साहब, रुकिए, मैं इस केस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो भी बोलना है कटघरे में आके बोलिए। अब तो चेहरे के भी पर निकल आए। जज साहब, रामू जो ये बाबा नहीं ढोंगी है, ढोंगी रामू जो भी कह रहा है सच कह रहा है। बाबा ने इसके प्रसाद में नशीली दवा मिला के उसे खिला दिया और अंगूठी का निशाना ले लिया। आपके पास इसका क्या सबूत है? मैं हूँ इसका सबूत जीता जागता। जज साहब, ये रही वो फॉरेंसिक रिपोर्ट जो केस का रुख बदल के रख देगी। लो जी लो, फैल गया नया रायता। तो ये कहाँ से आ गया? तो माय लॉर्ड, अब केस बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुका है। सारे सबूतों और गवाहों से ये साफ जाहिर होता है कि मेरा क्लाइंट रामू सच कह रहा था और वो बिल्कुल बेकसूर है और इसी ढोंगी बाबा ने उनकी जमीन धोखे से हड़पी थी। That's all my lord. सभी गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि बाबा को दोषी करार किया जाता है और उन्हें 12 साल की सजा सुनाई जाती है। घोर कलयुग है ये। चलो, मैंने कुछ नहीं किया। अरे बाबा चुप कर तू। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। एक और, मैं एक को देख लूंगा, एक एक को देखूंगा। आजा बाबा, तो गयो। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कितने साल पहले ही रामू को इस कटघरे में इन गवाहों के बिना पर मुजरिम करार किया गया था और इस बाबा को बाइज्जत पड़ी कर दिया गया था। हमारे हिंदुस्तान का कानून यही कहता है कि चाहे 100 मुजरिम छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अरे ये फैसला भी तो इन्हीं गवाहों के बिना पर लिया गया था ना, जो पलक झपकते ही बदले और छेड़े जा सकते हैं। अरे इस इंसाफ की दुनिया ने मेरी आंखों पर पट्टी और हाथ में तराजू तो दिया, पर मैं इस लायक भी ना रहूं कि सच के साथ सच और झूठ के साथ झूठ कर सकूं। तो क्यों दी गई है मेरी आंखों पर ये पट्टी? क्यों दिया गया है मेरे हाथ में ये तराजू? जवाब दीजिए, दीजिए ना। नहीं दे सकते ना, तो जवाब दे सके तो जवाब खुद को दीजिए, मुझे नहीं। और इस कानून को नहीं, इस इंसाफ को अंधा बनाइए ताकि सही के साथ सही और गलत के साथ गलत हो सके। लेकिन दोनों ही टीम, जो कि वी बिलीव दैट दे आर नॉन लॉयर्स, दे आर नॉट फ्रॉम लॉ स्कूल, दे हैव डन ए फंटेस्टिक जॉब इन डिलीवरिंग दिस आइडिया दैट इवन इफ जस्टिस इज डिलेड इट मीन्स जस्टिस इज डन, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज ओनली द जुडिशरी इन द कंट्री ऑन विच पीपल हैव फेथ, पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव फेथ दैट दो देर इज ए मे बी देर इज ए करप्शन इन द जुडिशरी ऑल्सो, बट स्टिल दे विल गेट जस्टिस, दे विल गेट द गिल्टी बिहाइंड द बार्स ओनली बिकॉज ऑफ जुडिशरी। दे डोंट हैव एनी फेथ इन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एनीथिंग ओवर द पॉलिटिशियन, बट इट इज द जुडिशियल सिस्टम विच ड्यू टू सर्टेन रीजन्स लैकिंग ऑफ जज और नंबर ऑफ केसेज समटाइम इट्स गेट डिलेड, बट अल्टीमेटली जस्टिस इज डन एंड दैट इज वाई वी कैन से दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डन। सो मैं सिर्फ सीरियल नंबर 2 को डिस्कस करूंगा क्योंकि उसको फर्स्ट प्राइज मिला है। उनका आइडिया में आपने इनको 10 में से 9 मार्क्स दिए हैं, ऐसा क्यों इरा? सर उनका आइडिया इज परफेक्ट फॉर द रीजन कि उन्होंने बहुत अच्छे से सोच समझ के एक प्रॉपर, एक्चुअली में ऐसा होता भी है इन रियलिटी ऑल्सो, कोई ढोंगी बाबा आके किसी की प्रॉपर्टी ले लेता है एंड इट टेक्स 10 ईयर्स समटाइम्स टू फॉर द जज टू कम आउट विद द एक्ट टू
held the person guilty who is actually guilty. Or कभी कभी हो जाता है कि documents में fabrication हो जाता है, लेकिन at the end of the day जो भी accused है, जो भी guilty है, उसी को ही punishment जरूर मिलती है. शेखर जी, आपको ये नहीं लगता कि ये राम रहीम से थोड़ा influence था पूरा का पूरा act? Ram Rahim and Jolly LLB both, because the judge was doing the same thing. She is calling powder powder instead of order order, and wakalat takalat takalat shuru ki jaye powder powder. इन्होंने court scene में 10 में से 9 marks दिए हैं. Dr. Girish Tyagi, क्योंकि उन्होंने माहौल पूरा उसी तरह का बनाया जैसे कोर्ट का माहौल होता है, एक बकायदा उसके चैम्बर और एक गीता भी रखी है, एक एक मूर्ति जो आंखों पे पट्टी और हाथ में तराजू जो कि बैलेंस दिखाया गया, तो ये कोर्ट का प्रेजेंटेशन तो उसका प्रॉपर था. ऑफ कोर्स क्योंकि ये लॉ स्टूडेंट नहीं थे, लॉ की ट्रेनिंग नहीं थी, इसके हिसाब से काफ़ी इन्होंने अच्छा तैयारी करी और उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा था. प्रेजेंटेशन में भी इन्होंने 9 मार्क्स मिले 10 में से. आपको कैसा लगा इनका प्रेजेंटेशन? राहुल जी सीनियर हेल्थ राइटर हैं नवभारत टाइम्स में. प्रेजेंटेशन इसलिए बेहतर था क्योंकि आजकल जो एक माहौल होता है उसको दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. जो दर्शक हैं वो बात को समझ सकें, उनको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो इसमें दिख रहा था. शेखर जी, यूनिफॉर्म में इन्होंने कहाँ गड़बड़ी करी कि 10 में से 8 ही मिले? काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए थे काफ़ी हद तक, लेकिन 2-3 स्टूडेंट्स नहीं थे. और मैं पहली टीम को भी ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी जो आइडिया लिया है एक बच्चे का जो कि IPS का एग्ज़ाम दे रहा है और उसके पास एक चिट मिल गई है जो कि मोस्ट लाइकली किसी और बच्चे ने चीट करके फेंकी है, ये एक बड़ी पिक्यूलर सी सिचुएशन है. क्योंकि जनरली इट इज़ बिलीव कि जिसके पास चिट मिली है उसी को गिल्टी ठहराया जाएगा, और उस बच्चे ने तो हिम्मत करी, वो कोर्ट में चला भी गया. लेकिन एक नए स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, और वो कोर्ट में जाने की उसने हिम्मत करी इन द क्रूशियल ईयर्स व्हेन ही वाज अटेम्प्टिंग द एग्जाम्स एंड ही वाज डिबार फ्रॉम टेकिंग एनी एग्जाम, हिज एंटायर करियर एट स्टेक, एंड द आइडिया ऑफ द फर्स्ट टीम वाज वेरी गुड, बट दे वर लैकिंग इन यूनिफॉर्म और इन द कोर्ट सीन, बट द आइडिया एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट टीम वाज ऑल्सो वेरी गुड. What about the procedure? Court procedure mein, because again they are not law students, either team 1 or team 2. I think by seeing the movie or by seeing the episode of Ram Rahim or Jolly LLB, the second team adopted from there and they created a good court scene and they took the right procedure which generally happens in the court. So it was a good effort from both the teams. Let's clap for both of them. ये हमने first time perfect health मेले में court scene को लेकर आए, इसलिए दो entries आई. जब हमने आज से 24 साल पहले program चालू किए थे तो कम entries आती थी, but I think ये धीरे 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 popular होगा. और आप सब लोग इस पे धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, अगले साल ज़्यादा टीम्स आनी चाहिए इसके अंदर में. और अगले साल हम डॉक्टर्स को भी लेकर आएंगे और वी विल ट्राई टू हैव ए गुड मॉक कोर्स नेक्स्ट ईयर.